हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल जिसका नाम है डेली यूज प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों, जो आज की वीडियो है एक प्रोडक्ट के बारे में है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्दी बहुत हो रही है फिलहाल। जो यहाँ का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है, तो बहुत सर्दी हो रही है, बिल्कुल सूरज नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, हीटर, जो कि रूम हीटर है। आपने देखा होगा, अगर आप भी फिलहाल सर्दी से पीड़ित है, आपको सर्दी लग रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं अगर रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कोई ना कोई मैं रूम हीटर लूँ जो कि अच्छी कॉस्ट में हो, अच्छी आपको हीट दे, बहुत महंगा भी ना हो और बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जो कि बच्चों के लिए या किसी के लिए भी कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आप उसको लो तो कहीं हाथ लग जाए या आग लग जाए या कुछ भी ऐसा हो। आपकी बच्चों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल हो और आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो। इस तरह का रूम हीटर आप देख रहे हैं, क्योंकि मेजरली आपने हीटर देखे होंगे, तो हीटर होते हैं क्या, उसमें रेड रेड कलर का एलिमेंट जलते रहते हैं, जो देखने में बहुत डरावने लगते हैं। अगर आप इस तरह का हीटर देख रहे हैं जो बहुत कंफर्टेबल हो, आराम से रखा जाए और हीटिंग भी अच्छी दे, तो उस तरह का हीटर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ओरपट का हीटर आप देख रहे हैं, ओरपट कंपनी का ये हीटर है, जो कि मैंने रूम हीटर अभी मैंने 7 दिन पहले मंगाया था ये फ्लिपकार्ट से, और ये मुझे 1100 रुपये के करीब में पड़ा है। तो ये 1049-1100 रुपये में आपको अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी आप ख़रीद सकते हो, या आप लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हो। बाकी दोस्तों, आप देख रहे होंगे फ़िलहाल मैं सबसे छत के ऊपर खड़ा हूँ, तो कितनी ठंड है ऊपर, बिल्कुल सूरज 6-7 दिन से सूरज नहीं निकला है। तो उसके बारे में इसलिए मैंने हीटर आपके लिए हीटर की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये अगर ओरबट का हीटर आप देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें। बहुत छोटा हीटर है, देखो कितना छोटा हीटर है, बहुत छोटा हीटर है, इतने से इसकी हाइट ओनली इतनी है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ट्रिपल सेफ्टी एश्योरेंस इसमें आपको मिल जाएगा। और आपको थोड़ा क्लियरली दिखा देता हूँ, 100% प्योर कॉपर, और जो इसके अंदर जो मोटर है 100% प्योर कॉपर की मोटर है, यानी कि आपकी जो बिजली का कंजप्शन है वो बहुत कम बिजली ये लेगा। और बाकी इसमें है टू हीट सेटल सेटिंग क्रोब, दोस्तों जो एक नोब है इसमें टू हीट है, यानी कि 1000 वाट और 2000 वाट, दोनों वाट पे इसको आप चला सकते हैं, 2000 वाट और 1000 वाट दोनों पे चल सकता है, दोनों इसमें नोब है। बाकी इसमें फ़ैन का मोड भी है, यानी आप ओनली फ़ैन भी चला सकते हो, 1000 वाट में चला सकते हो, 2000 वाट में चला सकते हो। और दोस्तों, ये जो है ISI अप्रूव्ड है, आप यहाँ पे ISI का मार्क भी देखेंगे, ISI अप्रूव्ड है, यानी कि जो अभी हमारा प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से ISI, जो हमारी ISI रेगुलेट करती है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को, तो ISI ने ये पूरी तरह से मेजर किया हुआ है, यानी कि ISI के जो भी हमारी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके है प्रोडक्ट, बिल्कुल ओके है। ISO 14001:2015 जो कि क्वालिटी सेफ्टी का रूल होता है, क्वालिटी पॉलिसी होती है, अगर आप क्वालिटी में काम करते हैं। ये दोस्तों मैं बता रहा था आपको, ISO 14001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, ISO 9001:2015, यानी कि ISO जो क्वालिटी पॉलिसी होती है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो भी होता है वो पहले क्वालिटी चेक करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा कंफर्टेबल है नहीं है, तो ये क्वालिटी अप्रूव्ड है प्रोडक्ट, 1 ईयर वारंटी है इसकी। और दोस्तों, बाकी और आपको क्या क्या इसे मिल जाता है, फीचर्स, नॉन स्लैगिंग स्लीक टाइप लॉन्ग लाइफ हीटिंग एलिमेंट, यानी जो हीटिंग एलिमेंट है वो लॉन्ग लाइफ है, वो ख़राब नहीं होगा। थर्मल कट ऑफ एडिट सेफ्टी, थर्मल कट ऑफ का ऑप्शन है इसमें, यानी कि अगर कहीं ना कहीं आग लग जाती है या आपका एलिमेंट बहुत ही थोड़ा हीट हो जाता है या आपका हीटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो उस टाइम ये थर्मल कट ऑफ खुद पे खुद कट हो जाएगा, यानी खुद इसकी पावर ऑफ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो आग लग जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, तो ये खुद ही खुद बंद हो जाएगा। टू हीट सेटिंग, इसमें आपको 1000 वाट और 2000 वाट की सेटिंग मिल जाएगी, जिसको आप नोब से करके अपना एडजस्ट कर सकते हो। कैन यूज एज फैन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको कुछ कपड़े सुखाने या कुछ रखना है तो फैन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सेफ्टी मेटल ग्रिल, इसमें बहुत अच्छी सेफ्टी मेटल ग्रिल इस तरह की आपको मिल जाएगी, ये जिससे कोई बच्चा अगर इसे छेड़े तो जो अंदर है एलिमेंट पे हाथ नहीं लगेगा, बिल्कुल सेफ्टी ग्रिड है। और प्लास्टिक की बॉडी में आपको ये मिल जाएगा, कूल टच बॉडी, प्लास्टिक की बॉडी, 100% प्योर कॉपर वायर मोटर, जो उसके अंदर मोटर है, जो हीटिंग एलिमेंट है वो कॉपर का यूज है, यानी कि जो आपकी अगर बिजली कंजुम्पशन है वो भी बहुत लो कंज्यूम करेगी, क्योंकि कॉपर का जो वायर होता है वो बिजली का कंजुम्पशन काफ़ी कम करता है, यानी कि आपका बिल भी इतना नहीं आएगा। बहुत अच्छा हीटर है, ओरपट का हीटर है, जो कि आपको 1100-1200 रुपये में आराम से मिल जाएगा। बाकी अब मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ किस तरह का हीटर है, अब मैं बिल्कुल हीटर के पास आपको लेके चलता हूँ। बाकी और जो बताता हूँ, फीचर, टू हीटिंग क्रोब है, ये प्योर कॉपर है, कूल टच बॉडी है, प्लास्टिक की बॉडी है, और सेफ्टी, बिल्कुल सेफ्टी के साथ ही आपको मिल जाएगा। अब हम अपने हीटर आपको दिखा दें किस तरह का हीटर है। तो दोस्तों, अब मैं अपने हीटर के पास आ गया हूँ, ये अपना हीटर है जो मैंने अभी आपको दिखा था, ओरपट का हीटर है, ओरपट की ब्रांडिंग इस पर लगी है, ये अपना फ़ैन है, ऊपर से फ़ैन चलता है, ये इसमें एक नोब है, इस नोब को आप सेट कर सकते हो, अगर आप ऐसे करते हो तो ये यहाँ पे ऑफ है, ये ऑफ का साइन है,
अगर इसको यहाँ पे करोगे तो ये फ़ैन मोड है, यानी कि इसमें फ़ैन चलेगा ओनली, यहाँ पे इसमें फ़ैन चलेगा, ये ठंडी हवा फेंकना शुरू कर, यानी अगर आपको गर्मी है तो गर्मी में ये काम करेगा, या आपने कुछ सुखाना है तो इसके सामने रख सकते हैं। तो जैसे ही अब आप इसको ये वन लिखा है तो यहाँ पे इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पे 1000 वाट, यानी कि जो हीटिंग है अब ये 1000 वाट की हीटिंग, अभी से हीटिंग आनी शुरू हो गई है, 1000 वाट की हीटिंग इसमें शुरू हो जाएगी, ये 1000 वाट का हीटर काम करेगा। अगर आप इसको थोड़ा और घुमाते हैं, जो ये 2 लिखा हुआ है, 2 डंडे लिखे, तो इसको घुमाएंगे तो 2000 वाट पे काम करेगा, यानी जो हीटिंग है वो 2000 वाट की हो जाएगी, यानी कि आपका जो रूम है वो ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मैं सामने बैठा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कितनी इसमें गर्मी आ रही है, वो तो कितना छोटा हीटर है, आराम से अपना इतना साइज है इसका, और बिल्कुल इसकी जो ग्रिल्स है बिल्कुल सेफ है, आप बच्चों की है उससे पोसे बिल्कुल दूर है, प्लास्टिक का है, बिल्कुल प्लास्टिक की बॉडी है पूरा, बहुत है, देखो कितना अच्छा हीटर है, बहुत छोटे साइज़ का है, आराम से आपका रूम के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करते हो। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा कौन से रूम के लिए कितना हो, कितने कौन सा हीटर काम करता है, रूम के अकॉर्डिंग हीटर होते हैं ये, वाटेज वाटेज इनका होता है कि इस इतने रूम के लिए इतना ये होगा। तो ये ओवरपट का हीटर है जो कि बहुत अच्छा है, मैं से 1000 वाट पे कर देता हूँ, नहीं तो गर्मी लग रही लगी। बाकी जो इसकी जो एक मुझे वो लगी, तो आपको इसके कनेक्शन करने के लिए एक एक तो दोस्तों जो इसमें अगर इनपुट की जो वोल्टेज होगी वो इस तरह का इसमें केबल क्लिप आता है जो आप देख रहे हैं, जो बड़ा होता है कि हीटिंग हीटर के लिए बड़ा होता है, तो इसके लिए अगर डायरेक्ट आप डायरेक्ट सप्लाई में लगाएंगे जो कि आप घर की सप्लाई में, तो उसमें यहाँ बिल्कुल ही नहीं लगेगा क्योंकि बहुत मोटा आता है। अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा, मैं इसको इधर लाइट में दिखा देता हूँ कितना मोटा है ये, तो आपको इसके लिए अलग से है या तो 3 पिन कुछ इस तरह खरीदना पड़ेगा जो इसमें लग जाए, बाजार से मिल जाएगा, नहीं तो आपको पूरा एक सर्किट खरीदना पड़ेगा जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने सर्किट खरीदा था वो आपको खरीदना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपको इस तरह का सर्किट खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3 पिन कुछ इस तरह का 3 पिन का वाला भी बाहर से मिल जाएगा, नहीं तो क्योंकि जो इसका हीटर का आता है आपको पता होगा हीटर के लिए अलग से आता है, ये ग्राउंडिंग का वायर होता है जो मोटा होता है, तो इसमें ये कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह का आपको ये अलग से लेना पड़ेगा, या फिर आपके अगर घर में इस तरह की सप्लाई है हीटर के लिए कुछ इस तरह का लगा हुआ है तो उसमें काम आ सकता है, नहीं तो आपको अलग से पिन इसके लिए अलग से पिन लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर इसमें अलग से कनेक्ट होता है, क्योंकि जो आते हैं वो इस तरह के आते हैं इन 3 पिन वाले, लेकिन ये जो है ये मोटी पिन का है, तो ये ऐसे को अलग से सप्लाई लेनी पड़ेगी, बाद में आप इसको ऑन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना, ये बहुत अच्छा हीटर है, आप इसको खरीद सकते हैं।